वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको राजस्थानी मंगोड़ी पापड़ की सब्जी बनाना बताऊंगी। मंगोड़ी को हम बढ़िया भी बोलते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब भी हमें कोई सब्जी बनानी हो या घर में कोई सब्जी नहीं हो तो झटपट हम इसे बना सकते हैं। मारवाड़ में मंगोड़ी की सब्जी को बहुत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको पापड़ मंगोड़ी की सब्जी बनाना बताऊंगी। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मंगोड़ी ली है। मंगोड़ी को हम बढ़िया भी बोलते हैं। तो ये जो मंगोड़ी है ये मेरी होममेड मंगोड़ी है, मैंने इसको घर पे ही बनाया है। मंगोड़ी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जरूर एक बार विजिट करें। मंगोड़ी को अलग अलग शेप के बनाते हैं, कुछ लंबी बनाते हैं, कुछ गोल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लंबी मंगोड़ी बनाई, आप देख सकते हैं ये ऐसे करते ही टूट जाती है। शेप से कुछ नहीं होता है, मंगोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, मेन बात ये होती है। चलिए अब हम मंगोड़ी को अधकचरी कर लेते हैं। मैंने किचन टोवी लिया है, इसमें हम मंगोड़ी को रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेलन लिया है, बेलन से हम इसको अधकचरी करेंगे। इस तरह हमें इसको प्रेशर देते हुए अधकचरा करना है, बड़ी आसानी से हो जाती है। इस तरह हमें मंगोड़ी को तोड़ना है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। पापड़ मंगोड़ी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पापड़ लिए हैं, ये मेरी होममेड पापड़ है। पापड़ कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इसका वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप एक बार जरूर देख लेना। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पापड़ को सेकना होता है। तो पापड़ को हम तवे पे सेकेंगे। गैस पे मैंने तवा रख दिया है, तवा गर्म हो गया है, इस पे हम पापड़ रखेंगे और इस पे हम सेकेंगे। इस तरह हल्का हल्का प्रेस हमें चारों तरफ से करना है ताकि पापड़ जो अच्छी तरह से सिक जाए। इस तरह देखिए, इस तरह हमारे सेकने से पापड़ में जो है कालापन या दाग नहीं आएगा। डायरेक्ट हम सेकेंगे तो हल्का सा दाग रह ही जाता है, इसलिए हमें सब्जी के लिए पापड़ जो है तवे पे ही सेकना है। आप देख सकते हैं पापड़ सिक गया है। एक बार इसे हम पलट देंगे और इधर से भी सेक लेते हैं। गैस को अब हम बंद कर देंगे और पापड़ को हटा लेते हैं। अब हमें मंगोड़ी को सेकना है तो गैस पे मैंने एक पैन रखा है और थोड़ा सा 1 टीस्पून हम उसमें घी ऐड करेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे और इसमें हम मंगोड़ी डालेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, मंगोड़ी जो है ऊपर ऊपर का जो मोटा पार्ट है वही हमें लेना है, बारीक पार्ट को हम बाद में डालेंगे। घी अच्छा गर्म हो गया है, अब मंगोड़ी हम इसमें डालेंगे। कम फ्लेम पे हमें इसको सेकना है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें इसको सेकना है, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको सेकना है। इस तरह बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है, आप देख सकते हैं मंगोड़ी जो है हमारी सिकने लग गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो बारीक पार्ट बचा था हमारा जो चूरा, ये हम इसमें डालेंगे। यदि हम पहले डाल देते तो ये जल जाता, इसलिए हमें लास्ट में ही डालना है। पैन हमारा गर्म है इसलिए इसी में ही सिक जाएगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम निकाल लेते हैं मंगोड़ी को और इसी पैन में हम सब्जी बनाते हैं। 1 टीस्पून इस पे हम घी ऐड करेंगे। झोली की जो सब्जियां होती है घी से ही अच्छी लगती है। घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है तो 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। जीरा चटकने लग गया है तो 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें दूध और अच्छे तरह से हमें इसको मिक्स करना है। 1 से 2 टीस्पून ही मैंने इसमें दूध ऐड किया है ताकि सब्जी का जो कलर है वो अच्छा है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं घी जो है चिकनाई छोड़ने लग गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसको मैंने अच्छे से धोकर कट कर लिया है और एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे तो 1/2 गिलास हमें इसमें पानी ऐड करना है। अब हम इसे मसाला मिक्स करेंगे तो 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर सूखा धनिया लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया हल्दी पाउडर।
हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि मंगोड़ी में भी नमक होता है, पापड़ में भी नमक होता है। नमक को आप स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। इससे सब्जी जो है खाने में बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है सब्जी का। सभी को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए अब इसमें हम मंगोड़ी ऐड करते हैं। जो हमने मंगोड़ी सेकी थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है। जब तक उबाल नहीं आए तब तक इसे हमें पकाना है। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उबाल आने लग गई है तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं। कम फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है। अब कितना पकाना है ये डिपेंड करेगा मंगोड़ी पे। मंगोड़ी टाइट है तो पकने में टाइम लगेगा, यदि अच्छी बनी है सॉफ्ट बनी है तो जल्द ही पक जाएगी। आप देख सकते हैं डालते के साथ ही मंगोड़ी जो है हमारी पक गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह हमें दबा के चेक करना है कि मंगोड़ी हमारी पकी है या नहीं। ये देखिए बड़ी आसानी से दब जाती है। जो पापड़ हमने सेका था उसके हमें बड़े साइज के टुकड़े करने हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब सब्जी में हम पापड़ ऐड करते हैं तो हमें इस साइज के पापड़ रखने हैं। आप देख सकते हैं झोली भी जो है गाढ़ी पड़ गई है। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बन चुकी है, कितनी अच्छी और गाढ़ी सब्जी जो है हमारी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए जितना आपको गाढ़ा रखना है उतना आप रखें। यदि पतला खाना चाहते हैं तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सब्जी को सर्व करते हैं। पापड़ पंगोड़ी की सब्जी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। मैंने यहाँ पे पापड़ को सेक के डाला था, वो इसलिए कि यदि हम कच्चे पापड़ को डालते तो वो डालते के साथ ही गल जाता, इसलिए हमें पापड़ को सेक के ही डालना है। जब हम मंगोड़ी को घी में सेकते हैं तो पहले हमें मोटे पार्ट को सेकना है, फिर हमें बारीक पार्ट ऐड करना है। यदि पहले से ही बारीक ऐड कर देंगे तो वो जल जाएगा। इस तरह कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ये सब्जी झटपट बन जाती है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।